हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, और इन चेंजेस के आधार पे अब जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा यहाँ पे पावर्स रहेंगी। काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन, काफ़ी सारा पैसे का ऐसा लेन देन जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट एंटिटीज़ में हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करना अब अनिवार्य है। जैसे एनजीओज़ हैं, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो नए एडिशन हैं वो किए गए हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड जो पर्सन है, इसकी डेफिनेशन दी गई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। तो इसके आधार पे काफ़ी सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं या रिकॉर्ड है वो रखे जाएंगे, जिसके हिसाब से भारत सरकार को यहाँ पे मदद मिलेगी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको वाइट मनी बना रहे हो। मतलब जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है या ऐसा पैसा है जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है, अनरिपोर्टेड इनकम है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स से गुजारते हो। इस बैंक में डाला, फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट दिखाया, जिस तरीके से हम कहते हैं कि लेयरिंग आप कर रहे हो, और फाइनली फिर उसे ऐसा दिखाते हो कि ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल लेजिटिमेट जो है ये मनी है, सफ़ेद जो जिसे हम कहते हैं कि आपने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से आप समझिए कि फ्यूल है, ब्लड है, जितनी भी इल्लीगल या फिर ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स हैं, टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से फाइनेंसिंग इन एक्टिविटीज़ की होती है। इसलिए ये जो बदलाव यहाँ पे किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं बदलावों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेजर हम बात करें तो देखिए, वर्चुअल जो असेट्स हैं उनको उनकी रिपोर्टिंग को तो कंपलसरी बनाया ही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है इनको डिफाइन किया गया है। तो हम ये जानेंगे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन क्यों है, क्यों इनकी डेफिनेशन लाई गई है। एक और बदलाव यहाँ पे है, वो है एनजीओज को लेके। यहाँ पे जो इनकी तरफ से जो एनजीओ हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। तो एनजीओ पे भी हम देख सकते हैं कि जो स्क्रूटनी है या फिर जो मॉनिटरिंग है सरकार की, उसको बढ़ाया जा रहा है अंडर दीज डिफरेंट चेंजेस। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। फ्री सेशन अनअकैडमी पे प्राप्त करने के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे 20% ऑफ डिस्काउंट अभी चल रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RBLIVE, जहाँ पे पूरी जो प्रिपरेशन है GS की, प्री मेन सी सेट की प्रिपरेशन, इसकी फीस 46,000 हो जाती है, जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस है। अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और जो नोट्स हैं उसके रिसोर्सेज भी इसी फीस के साथ मिल जाते हैं। देखिए, जो सबसे पहला चेंज है वो ये किया है कि इन्होंने डेफिनेशन को ऐड किया है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की डेफिनेशन को ऐड कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। हालांकि ये डेफिनेशन पहले से ही थी, आरबीआई का एक सर्कुलर जारी था 2008 में, तो ये डेफिनेशन पहले से ही थी, लेकिन कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए यहाँ पे इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो हमारा कानून है, इसके अंतर्गत इसको लाया गया है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन है, और ये जो डेफिनेशन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की, ये हम फॉरेन पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को शॉर्ट में हम पीईपी कह रहे हैं। तो जो फॉरेन पीईपीज हैं उसके रिगार्ड में ये डेफिनेशन लाई गई है। कोई भी विदेश के अंदर आप देखोगे, किसी भी सरकार का कोई भी हेड हो गया या फिर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई मंत्री है या सरकार की कोई कंपनी है उसमें कोई उच्च अधिकारी है, या फिर हम बात करें कि कोई मिलिट्री ऑफिसर है, पॉलिटिकल पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं विदेशों के अंदर, तो उनको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है और इसको डिफाइन कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, ताकि कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, इस साल के अंत तक, लगभग नवंबर तक, इंडिया का असेसमेंट होगा, FATF असेसमेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, FATF की अगर हम बात करें तो FATF एक तरह की संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की फाइनेंसिंग जो है उसको रोकने के लिए आपकी बनाई गई है। तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपने ये संस्था बनाई है, इसकी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन है, उन रिकमेंडेशन को देशों को फॉलो करना होता है। अगर उन रिकमेंडेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो रिव्यू के माध्यम से ये देखा जाता है कि देश के अंदर कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि टेरर फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ बड़ी आसानी से हो रही हैं, तो उस केस के अंदर वहाँ पे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, या फिर जैसे नॉर्थ कोरिया को किया हुआ है, या फिर ग्रे लिस्ट में जैसे पाकिस्तान को लाया गया वो किया जा सकता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे देश हैं FATF के जो मेंबर है वो पीयर रिव्यू करते हैं, मतलब वही एक दूसरे का ये असेसमेंट करते हैं कि FATF की रिकमेंडेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है।
तो एफएटीएफ का जो असेसमेंट है इंडिया का वो होने वाला है, इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। दैट्स व्हाई इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इसको भी डिफाइन कर दिया है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ये होते हैं। क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से जो रिकमेंडेशन है उसमें से ये बता रखा है, एक रिकमेंडेशन ये भी है कि आपके डोमेस्टिक पीईपी जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उसके अलावा आप जो इंटरनेशनल लेवल पे या जो विदेशों में पीईपी हैं उसको भी डिफाइन कीजिए। इसका उद्देश्य ये है क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पद पे है, वो अपना इन्फ्लुएंस रख रहा है, वो जो पावर है कुछ इस तरीके से है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को अब्यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस उद्देश्य के साथ एफएटीएफ ने ये रिकमेंडेशन डाली है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है सब गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि करप्शन हो गया, ब्राइबरी हो गई या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अंदर। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन यहाँ पे हैं उनके अंदर जो भी जिस भी तरह की डीलिंग है वो सारी उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उसका ब्यौरा आपको रखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल मीजर्स, जिससे हम क्या कर सकें एडिशनल मीजर और थोड़ा वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकें कि इनके माध्यम से कुछ दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है अपनी पोजीशन का, ये अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। तो इस उद्देश्य के साथ ये लाया गया। और अब क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे 10 लाख या उससे ऊपर के उसको कंपलसरी है रिपोर्ट करना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को वो रिपोर्ट किए जाएंगे, कंपलसरी हो गया है। तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा हम देखें और क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, तो यहाँ पे अमेंडमेंट ये भी किया है कि जो बेनिफिशियल ऑनर है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो लिमिट थी अब उसको कम कर दिया है। तो बेनिफिशियल जो ऑनर है, पहले उसमें यह था कि कोई भी इस तरह की एंटिटी है जिसके अंदर 25% तक किसी व्यक्ति का शेयर है, इंडिविजुअल का प्रॉफिट के अंदर या उस कंपनी में 25% तक शेयर है, तो उसको हम बेनिफिशियल ऑनर मान रहे थे और उससे रिलेटेड जो बेनिफिशियल ऑनर से रिलेटेड डेटा है, रिकॉर्ड है, वो रखने की बात हो रही थी। अब इन्होंने इस लिमिट को घटा के 10% कर दिया, किसी भी व्यक्ति का 10% उससे ज़्यादा हिस्सेदारी किसी भी तरीके से है तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी जरूरी है कि मान लीजिए कोई एनजीओ यहाँ पे डीलिंग कर रहा है किसी भी तरह की, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एनजीओ रिलेटेड जो भी डाटा है वो नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल है उस पर आपको उसको फीड करना होगा। और अगर वो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस तरह का एनजीओ या कोई भी ये क्लोज भी हो जाता है तो भी 5 साल तक उस डेटा को बना के रखना है। अब नीति आयोग का जो ये पोर्टल है जिसे हम दर्पण पोर्टल कहते हैं, ये एक तरह से सरकार के बीच में और जो एनजीओज हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में एक तरह के प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है कि दोनों साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकें, मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर सकें, जो भी एनजीओज वगैरह के बीच में डीलिंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके कि एनजीओज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और सरकार को भी इस तरह से कोई सहयोग देना हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो मिल सके। तो यहाँ पे इसको कंपलसरी बनाने का मतलब है सरकार चाह रही है कि एनजीओ से रिलेटेड जो भी डेटा है वो एक जगह हमारे पास आ जाए, इस दर्पण पोर्टल के माध्यम से एनजीओ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह पे हमारे पास आ जाए। क्योंकि आपको पता है एनजीओ की जो फंडिंग हो रही है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज कई बार उठते हैं कि फंडिंग का पर्पस क्या है, कई बार जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वेस्टेड इंटरेस्ट उनके होते हैं वो फंडिंग करके इंडिया की जो सिक्योरिटी है या इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो ये इन्होंने किया है। और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है वो ये है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जो एनजीओज हैं इनकी डेफिनेशन को भी अमेंड कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए भी कोई एनजीओ बना रहा है तो उसको भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड किया गया है। फाइन, इनसे रिलेटेड रिकॉर्डेड जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हम बात करें कि एनजीओ के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन और ये होता था उसकी आवश्यकता को बढ़ा दिया है। अब इनको जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया। शुरू में ये था कि केवल आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सिंपल कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, लेकिन अब जो है रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। अब इनको ये बताना होगा कि आपका जो पर्टिकुलर एनजीओ है यहाँ पे कौन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है, फाइन, आपके पार्टनर्स के नाम क्या हैं, अब बेनिफिशियरी के नाम क्या हैं, ट्रस्टी कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होगी। इसके अलावा जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसको बताना होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अब एनजीओ को उपलब्ध करानी होगी। तो उद्देश्य यही है कि यहाँ पे ये देखा जाए कि कहीं जो भी फंडिंग हो रही है उसको किसी तरीके से डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए पैसा आ रहा है उसी उद्देश्य के लिए खर्चा हो रहा है।
कहीं उस पैसे के माध्यम से पीछे से कोई जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो वर्क तो नहीं कर रहे हैं, इंडिया की जो इंटरेस्ट है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है, या फिर गलत तरीके से जो पैसा है उसको यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको फंड तो नहीं किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें भारत सरकार ने कहा था कि अब जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड हो रहा है, मतलब जितने भी वर्चुअल डिजिटल असेट है जिसमें क्रिप्टो करेंसी आ गई या फिर जो भी NFT वगैरह हैं उसमें जो भी लेन देन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड वो सारा आपको यहाँ पे उपलब्ध कराना होगा, और इसके रिगार्डिंग पावर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय को सारी पावर है, वो जिस तरीके से चाहे उस डेटा को असेस कर सकती है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइम्स के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे मेजर एजेंसी है। तो कुल मिला के अच्छे ये चेंजेस किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में भी हेल्प करेंगे। दूसरा FATF की तरफ से जो इंडिया का अभी असेसमेंट होगा नवंबर में उसको लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके रिगार्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे किए हैं। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सेशन का जो PDF है इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं जहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस आपको लेक्चर का मिलता है। यहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। केवल एक ही बार आपको फीस देनी होती है इन सभी चीज़ों के लिए। अभी आपका 20% ऑफ चल रहा है जिसमें 46,000 ये फीस है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दीज मैक्सिमम डिस्काउंट्स। 16 मार्च से नए कोर्सेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं। पाथफाइंडर टीम की तरफ से क्रैश कोर्स आपका चल ही रहा है, 1 मार्च से शुरू हुआ है। तो इसकी जो फीस है 6999 ये फीस है। कोड यूज़ करके आप इस पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 अप्रैल से ऑफलाइन बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कल संडे को आपका रहेगा, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्कॉलरशिप यहाँ जीत सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अनलॉक कोड RBLive आपका रहेगा। EPFO के लिए भी जा सकते हैं, बहुत ही कम फीस के साथ EPFO प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।